तो चलो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले सवाल को देखोगे बेसिकली इसमें, तो इस वाले में क्या प्रॉब्लम है कि इसको हम लोग देखते हैं। तो अगर ये पार्टिकल पैराबोला पे चल रहा है तो सच दैट टू डायमेंशनल मोशन है, और अगर टू डायमेंशनल मोशन है तो एक्स कॉम्पोनेंट है वेलोसिटी डिमेंशन, मतलब वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1/3 है, जो कि एक कॉन्स्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगी, और वेलोसिटी वाई एक्सिस में क्या है वो तो हमें पता ही नहीं है, तो एक्सलेशन निकालना। तो लॉजिक क्या डेवलप बाई टू डायमेंशनल मोशन कर रहा, पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है, ठीक है ना, ये पैराबोला इस टाइप के पाथ पे चल रहा है, ठीक है। तो अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो किसी भी इंस्टेंट अगर देखोगे तो उसकी एक्सलेशन एक्स में हो सकती है और उसकी एक्सलेशन वाई में भी हो सकती है। तो नेट एक्सलेशन ये पैराबोला था और नेट एक्सलेशन इसका कहीं इधर जाएगा किसी भी इंस्टेंट, तो नेट एक्सलेशन जो आया वो एक्सलेशन इन एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस एक्सलेशन इन वाई एक्सिस का स्क्वायर अंडर रूट, ये वाली चीज़। तो ये अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और यही लॉजिक है, मतलब यही हमें करना है, ठीक है ना, मतलब एक्स एक्सिस में एक्सलेशन निकालना, वाई में निकालना, फिर ला के यहाँ पर रख देना है और रिजल्टेंट ले लेना है। तो अगर मैं एक्सलेशन एक्स एक्सिस में देखता हूँ, एक्स एक्सिस में, तो मैं वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस का डेरिवेटिव लूंगा, तो ये तो जीरो चला आएगा, तो एक्सलेशन इन एक्स एक्सिस जीरो आ गया। क्यों जीरो आ गया? क्योंकि एक्सलेशन एक्स एक्सिस में चेंज ही नहीं हुआ, कॉन्स्टेंट है। तो अगेन वाई एक्सिस में निकालो, तो अगेन वाई एक्सिस में जब निकालोगे तो वाई की वैल्यू क्या है, 9x का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी इन वाई एक्सिस जो आ जाएगा इसका डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में एरिया का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी टी, वाई की वैल्यू 9x स्क्वायर, 9x की डेरिवेटिव कितनी हो जाएगी, तो यह आ जाएगा 9x का डेरिवेटिव आ जाएगा, यह आ जाएगा 18x, और ये dx/dt भाई टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं कि अब बचेगा नहीं, तो ये इसका डेरिवेटिव आई होप कि सबको आता होगा, तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दैट्स वाई ऐसा आ रहा है। तो 18x, ठीक ना, 18x, और dx/dt कुछ नहीं है, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है, तो यह आ जाएगा 18x, और वेलोसिटी एक्स एक्सिस में 1/3 थी, तो यह आ जाएगा 6x, दैट इज नथिंग, दैट इज द वेलोसिटी इन वाई एक्सिस। तो ये वाली वेलोसिटी इन वाई एक्सिस में आ गया। तो एक्सलेशन इन वाई एक्सिस में क्या आ जाएगा भाई, एक्सलेशन इन वाई एक्सिस में dvy/dt इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव अगर मैं करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, तो इसका डेरिवेटिव मैं करूँगा तो 6, और डेरिवेटिव आप dx/dt, तो dx/dt अगेन क्या मिला, कुछ नहीं है, दैट इज वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस है, और वेलोसिटी इन वन एक्स एक्सिस पहले से मुझे पता था 1/3, तो अगर ये मुझे पहले से पता था 1/3, तो कुल मिला के कितना आया, 2 आया, तो दिस इज द एक्सलेशन इन वाई एक्सिस 2 आ गया। अब इन दोनों फर्स्ट और सेकंड को हमें फर्स्ट, ये एक्सलेशन एक्स और वाई को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है, तो नेट एक्सलेशन ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर अंडर रूट, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, इसका मतलब ये हुआ एक्सलेशन 2 m/s² आ जाएगा, जो कि नेट एक्सलेशन है, दिस इज द नेट एक्सलेशन, दैट इज ए डायरेक्शन में भी दिया तो वाई में ही आएगा, डी ऑप्शन सही है, थैंक यू।